हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सऊदी अरब से आप कैसे वेस्टर्न करेंसी मूव हो, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपको वहां जाने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका जो कंपनी से लेटर, जिस शेंगेन कंट्री में आप एंटर करने जाते हैं, सपोज करो आपका जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारी कंट्री है, पर्टिकुलर आपको डिसाइड किया किस कंट्री आप जाए। सपोज करो आप फ्रांस जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी के नाम से अपनी कंपनी को आप एक लेटर लिखवा जिसमें बताया जाए कि आप कितनी सैलरी है, ये है, इस तरह से पूरा एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से स्टैम्प कराएं, और उसके बाद उसको आप एक लिस्ट बना लें, चेकलिस्ट बना के उसको कलेक्ट कर लें। उसके बाद सेकेंड चीज आती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है आपका मतलब 6 मंथ की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसके ओरिजिनल, और उसके बाद हाईलाइट से हाईलाइट कर दें कि आपकी सैलरी कम से कम आपको तकरीबन 5,000 रियाल तो होनी ही चाहिए। अगर आपके साथ कम भी है तो उसमें आप एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट बना के कंपनी वाले से बोले, चार वाले से कि भी इस तरह का एक पेपर बनाए ताकि मैं वहाँ आपको लगे कि बंदा, क्योंकि जब आप वीजे के लिए अप्लाई करेंगे जो वीजे लगाने वाला वो देखता है कि ये बंदा वहां जाएगा तो क्या क्या वहां पर ये सर्वाइव कर पाएगा या उधर ही रुक जाएगा, तो आपको उसको देखना है कि इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है हिसाब लगाता है कि बंदा ये रियली ये विजिट करना चाहता है, तो उसमें उसकी जो उसकी नजर से देखें जो वीजा लगाने वाला है, तो उसमें आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और तकरीबन आप 15,000 रियाल तकरीबन आप रखें, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये है कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, वो तो नॉर्मल जो इकामा है उसका ट्रांसलेशन है, ठीक है, करा रखें। उसके बाद लास्ट में आप जो वहां का जो आप बैंक वहां पर होटल में रुकेंगे वहां की एड मतलब मान लो आप 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं वहां पर, तो उसमें पर्टिकुलर टाइम इस टाइम से इस टाइम जा रहे हैं, उसी तरह से जो फ्लाइट की टिकट भी उसी हिसाब से होगी जिस डेट को आप जा रहे हैं उसको वापस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, ठीक है, वन बाय वन करने के बाद आप सपोज करो सऊदी अरब के किस एरिया में रहते हैं, जिद्दा में रहते हैं, दमा में रहते हैं, उसी ही जगह पर एक VFS ऑफिस है जो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। आपने पूरी फाइल तैयार करनी है, ठीक है, तैयार करके जाके वहां पर आपको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद वो आपसे उस दिन से आपको दे विल टेक 45 डेज लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, एक स्लिप देंगे आपको काट के, तो अब डिपेंड करता है कि कितना खर्चा आएगा। अगर आप नॉर्मल करेंगे चाहते तो मेरे ख्याल में अराउंड 850 रियाल लगता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा VIP, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा VIP ट्रीट करते हैं और छोटी मोटी चीजें, फोटो की फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुद रख कर तरह से आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख दें कि क्या जरूरत है, आप ये कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैं अपना नंबर दे दूंगा। तो शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अगर किसी को इंटरेस्टिंग है तो मुझे बताएं, और ये वीडियो दूसरे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मैं और भी जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है मैं लाता रहूँ और आपके लिए अच्छा कर सकूँ, किसी को अच्छा काम हो, किसी का भला हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, वो लाइक, अल्लाह हाफिज़। तरह से आप वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप